एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट विथ चिल्ड वाटर सिस्टम। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट होगा उसमें हम लोग चिल्ड वाटर सिस्टम का बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप थोड़ा डिटेल लिख दूं क्या आज डिस्कस होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट विद चिल्ड वाटर सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो प्लांट होता है उसमें चार बेसिक साइकिल होता है, चार बेसिक साइकिल होता है। तो इस साइकिल के बारे में पहले जान लेते हैं। पहला जो साइकिल होता है वो हमारा होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल सेकंड होता है कंडेंसर वाटर साइकिल। कंडेंसर वाटर साइकिल थर्ड होता है हमारा चिल वाटर साइकिल। चिल वाटर साइकिल और फोर्थ होता है एयर साइकिल। एयर साइकिल को आप लोग एयर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल भी बोल सकते हैं। एयर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल जिसमें हम लोग एयर को फ्लो कराते हैं रूम के अंदर। तो इस पूरे साइकिल को हम लोग एक स्केमेटिक डायग्राम के मदद से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं ये एक पूरा स्केमेटिक डायग्राम है जिसमें यहां पे प्लांट रूम है, फ्लोर वाइज एचयू लगा हुआ है, कूलिंग टावर दिख रहा होगा यहाँ पे। कूलिंग टावर के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं चिल्ड वाटर पम्प है, कंडेंसर वाटर पम्प है, फिर ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपेंशन टैंक लगा हुआ है। तो सबका फंक्शन हम बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चिल्ड वाटर प्लांट रूम से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लांट रूम है और प्लांट रूम के अंदर चिलर लगा हुआ है। तो चिलर जो होता है वो कम्बिनेशन होता है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर का, जो कि फोर मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल का। तो यहाँ पे कंप्रेसर का मेन काम क्या होता है, कंप्रेसर क्या करता है कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करके उसके टेम्परेचर को और उसके प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है। और सेकंड इसका फंक्शन होता है कि सिस्टम में रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बनाए रखना, उस फ्लो को बनाता है, ठीक है। उसके बाद कंप्रेसर कंप्रेस कर दिया, उसके टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा दिया। उसके बाद ये जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग कंडेंसर यूज करते हैं वो सेल एंड ट्यूब टाइप का होता है, सेल एंड ट्यूब टाइप, ठीक है। अब सेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर होता है जिसमें सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है, सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है और ट्यूब के अंदर वाटर होता है। और जो ट्यूब के अंदर जो वाटर होता है, वाटर का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू रेफ्रिजरेंट काफ़ी लो होता है और लो होने की वजह से रेफ्रिजरेंट का जो हीट है वो जो रेफ्रिजरेंट का हीट है वो वाटर के थ्रू कूलिंग टावर में चला जाता है, वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि वेपर हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वेपर रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड में चेंज होने के बाद वो वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ से आ जाता है एक्सपेंशन डिवाइस में। एक्सपेंशन डिवाइस का अब जैसे फंक्शन आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में रेफ्रिजरेशन साइकिल का, मैं वो वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक्सपेंशन डिवाइस का वर्क होता है कि जो भी यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसके प्रेशर को और टेम्परेचर को डाउन कर दो। मतलब जो यहाँ पे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसके प्रेशर और टेम्परेचर को डाउन कर देता है
और डाउन करने के बाद उस रेफ्रिजरेंट को, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर के अंदर भेज देता है। अब इवेपोरेटर जो यहाँ पे लगा हुआ है वो सेल एंड ट्यूब टाइप का इवेपोरेटर है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये यहाँ से रेफ्रिजरेंट इंटर किया इवेपोरेटर के अंदर और यहाँ से होके ऐसे इंटर कर चला जाता है। तो सेल एंड ट्यूब टाइप इवेपोरेटर है जिसमें ट्यूब में रेफ्रिजरेंट होता है और सेल के अंदर वाटर होता है। और इवेपोरेटर क्या करता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में चेंज कर देता है। और वेपर में चेंज कैसे करता है, जो गर्म पानी एचयू से फिर जब इवेपोरेटर के अंदर आता है, हीट को रूम का जो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इवेपोरेटर के अंदर आया। और यहाँ पे एज कम्पेयर टू सेल का वाटर, यहाँ पे जो वाटर है उसका टेम्परेचर हाई है एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब बॉयल होने के बाद इवेपोरेटर के एंड तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम्प्लीटली वेपर में चेंज हो जाता है। अब वेपर में चेंज होने के बाद ऐसे फिर से कंप्रेसर में चला जाता है। कंप्रेसर में जाने के बाद फिर से वही साइकिल के बाद ये फिर से आया हमारा इवेपोरेटर में, यहाँ कंडेंसर में आया, कंडेंसर से एक्सपेंशन डिवाइस। तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल था। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसर वाटर साइकिल। कंडेंसर वाटर साइकिल में अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कूलिंग टावर लगा हुआ है और फिर यहाँ पे कंडेंसर वाटर पंप लगा हुआ है और ये कंडेंसर है। तो कंडेंसर, कंडेंसर वाटर पंप और कूलिंग टावर, ये सबका जो एक पाइपिंग का जो साइकिल बन रहा है इसको कंडेंसर वाटर साइकिल बोलते हैं। कंडेंसर वाटर साइकिल, कूलिंग टावर क्या करता है, कूलिंग टावर ये करता है कि जो गर्म पानी आ रहा है कंडेंसर से, कंडेंसर से जो गर्म पानी आया कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर उस पानी को ठंडा करके दोबारा से कंडेंसर के अंदर भेज देता है। और इस काम को करने के लिए यहाँ पे पंप, कंडेंसर वाटर पंप लगा हुआ है। कंडेंसर वाटर पंप क्या करता है कि कूलिंग टावर से पानी को सक करता है, पानी को सक किया, सक करने के बाद कंडेंसर में भेजते हैं। फिर कंडेंसर के अंदर जाने के बाद वो पानी रेफ्रिजरेंट के हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कूलिंग टावर में लेके आता है। और कूलिंग टावर में लेके आने के बाद यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा होता है, स्प्रिंकलर तो वाटर का फव्वारा बन जाता है, ऐसे ऐसे वाटर टूट जाता है, स्प्रिंकल हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे एक फ़ैन लगा होता है कूलिंग टावर के ऊपर। तो फैन क्या करता है कि एयर को डिस्चार्ज करता है टॉप की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ। जब एयर को डिस्चार्ज करेगा तो कहीं ना कहीं से एयर सक भी करेगा, तो यहाँ से एयर कूलिंग टावर के अंदर इंटर होता है, जिसकी वजह से वो पानी से होता हुआ जाता है, जिससे कूलिंग टावर के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया कंडेंसर वाटर साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट है चिल वाटर साइकिल। चिल वाटर साइकिल जो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इवेपोरेटर से एक पाइप गया हुआ है चिल वाटर में, चिल वाटर कॉयल में, फिर यहाँ से रिटर्न होके एक पाइप आ जाता है इवेपोरेटर के अंदर। जो चिल वाटर पाइप एचयू के तरफ जा रहा है, उस पाइप में पानी होता है, ठंडा पानी होता है। अब ठंडा पानी कहाँ से ठंडा होता है, तो इवेपोरेटर से ठंडा होता है, क्योंकि इवेपोरेटर के अंदर का ट्यूब है, ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट, ठंडा रेफ्रिजरेंट होता है। वो रेफ्रिजरेंट क्या करता है कि सेल में जो वाटर होता है उस वाटर को ठंडा कर देता है। ठंडा करने के बाद फिर वो पाइप पानी जाता है कूलिंग कॉयल के अंदर जो रूम का एयर आ रहा है, गर्म हवा, उस हवा को एब्जॉर्ब करता है, उस गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, और उस गर्मी को एब्जॉर्ब करके ले जाके इवेपोरेटर के अंदर रिजेक्ट कर देता है। तो सेम इसी फंक्शन की वजह से क्या होता है कि इवेपोरेटर के अंदर का जो रेफ्रिजरेंट था वो बॉयल हो जाता है, बॉयल होकर वेपर में चेंज हो जाता है। और तो ये प्रोसेस भी बार बार चलते रहता है, जिसको हम लोग चिल वाटर साइकिल बोलते हैं। चिल वाटर साइकिल में यहाँ पे कई तरह के वाल्व वगैरह भी लगा होता है, स्ट्रेनर, गेट वाल्व, बैलेंसिंग वाल्व, मोटर ऑपरेटेड वाल्व, इसका हम लोग एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चिल वाटर पंप भी लगा हुआ। तो चिल वाटर पंप क्या करता है, सेकेंडरी पंप, इसको मेनली सेकेंडरी पंप बोलते हैं, जो वाटर को चिलर से लेके एचयू को देता है, एचयू को सेंड करता है। फिर एक प्राइमरी पंप होता है, तो प्राइमरी पंप क्या करता है कि बिल्डिंग से एयर को सक करता है, उसको चिलर को देता है। और सेकेंडरी पंप क्या करता है कि चिलर से वाटर को सक करके डिस्चार्ज कर देता है एचयू को। ये जो साइकिल है हमारा, इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं कि चिल वाटर साइकिल बोलते हैं।
फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि एयर साइकिल, एयर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल क्या होता है कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में कौन कौन सा इक्विपमेंट्स और क्या क्या एसेसरीज होते हैं उनका हम लोग देख लेते हैं। तो एयर साइकिल में मेनली एक एचयू होता है, एचयू के अंदर ब्लोअर लगा होता है, ब्लोअर उसके बाद ये एक सप्लाई डक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद एक सप्लाई एयर डक्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सप्लाई सप्लाई एयर डिफ्यूजर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न एयर डिफ्यूजर लगा हुआ है जो कि एयर को रिटर्न करके डक्ट के थ्रू फिर से मशीन मशीन रूम में, एचयू रूम में दे देता है, मिक्सिंग चैम्बर में यहाँ पे एयर मिक्स होता है। फिर तो यहाँ ये जो लगा हुआ है रिटर्न एयर डक्ट है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं कि फ्रेश एयर डक्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेश एयर डक्ट क्या करता है कि बाहर से फ्रेश एयर को सक करके रूम में दे देता है, फ्रेश एयर डक्ट होता है, या फिर एग्जॉस्ट एयर डक्ट भी लगा होता है। अब जब यहाँ रिटर्न एयर डक्ट के थ्रू जो एयर आ रहा है एचयू रूम के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो जब 100% रिटर्न एयर आ रहा है एचयू रूम के अंदर, तो उसमें से मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि 90% एयर को हम लोग रिटेन कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं, और 10% जो एयर होता है उसको हम लोग एग्जॉस्ट कर देते हैं। फिर अब 10% एयर को मेंटेन रखने के लिए फिर 10% एयर हमें एज ए फ्रेश एयर लेना पड़ता है बाहर से, तो 100% एयर मिक्सिंग चैम्बर में आ जाता है, जिससे कि हमें 100% क्लीन एयर, क्लीन एंड डस्ट फ्री एयर हमें मिलता है एयर कंडीशनिंग रूम के अंदर। अब एक क्लीन एयर के लिए यहाँ फिल्टर भी लगा होता है, जिसे प्री फिल्टर होता है, बैग फिल्टर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एयर साइकिल। एयर साइकिल में अब क्या क्या हो गया, ब्लोअर हो गया, जो ब्लोअर क्या करता है कि हवा को डिस्चार्ज करता है रूम के अंदर। फिर यहाँ पे सप्लाई एयर डिफ्यूजर लगा होता है, या सप्लाई एयर ग्रिल होता है, रिटर्न एयर डिफ्यूजर होता है, या फिर रिटर्न एयर ग्रिल हो गया। उसके बाद रिटर्न एयर डक्ट के थ्रू रूम से एयर आता है मशीन एचयू के पास, और यहाँ पे फिर मिक्सिंग होता है एयर का, और कुछ एयर एग्जॉस्ट होता है, कुछ फ्रेश एयर एज ए फ्रेश एयर हम लोग लेते हैं रूम के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि एक और चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, एक्सपेंशन एक टैंक लगा हुआ। अब एक्सपेंशन टैंक का क्या फंक्शन है, कभी कभी क्या होता है कि चिल्ड वाटर जो साइकिल है, अब चिल्ड वाटर साइकिल में अगर मान लीजिए चिल्ड वाटर साइकिल में अगर वाटर का लेवल डाउन हो जाता है, उस वाटर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए एक्सपेंशन टैंक का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 लीटर वाटर का यूज कर रहे हैं हम लोग चिल्ड वाटर साइकिल में, चिल्ड वाटर लाइन में, और अगर हमें पता चलता है, ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, अगर पता चला कि कुछ लेवल पानी का डाउन हो गया, 98 लीटर हो गया, तो 2 लीटर पानी क्या होता है कि एक्सपेंशन टैंक भेज देता है उस चिल्ड वाटर लाइन में, और फिर से वो जो पानी है प्री डिफाइन जो हमारा लेवल है उस लेवल को, प्रीसेट लेवल को अचीव कर लेता है। और यहाँ पे मेकअप एंड क्विक फिल कनेक्शन होता है, अगर फिर अगर एक्सपेंशन टैंक में पानी का कमी हो जाए तो यहाँ से हम लोग फिल कर देते हैं, तो वो बाई ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लोट वाल्व लगा होता है, जैसे पानी का लेवल डाउन होगा फ्लोट वाल्व ओपन डाउन होगा तो यहाँ से ये वाल्व ओपन आया हो जाएगा और पानी एक्सपेंशन टैंक के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे फ्रेश एयर डक्ट लगा हुआ विथ डैम्पर एंड लूअर लगा होता है, ताकि यहाँ से कुछ डस्ट बर्ड्स वगैरह यहाँ से इंटर ना करें रूम के अंदर, एचयू रूम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट काम करता है चिल वाटर सिस्टम बेस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि चिल वाटर एयर प्लांट ही, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो एयर कूल्ड सिस्टम होगा या फिर डायरेक्ट एक्सपेंशन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।